तो मैं तुम्हें बताता हूँ अपना फ्रीलांस फर्स्ट क्लाइंट का स्टोरी, जो कि मुझके मुझे कैसे मिला था, मैं तुम्हें वो बताता हूँ। देखो, मैंने अपना जब स्टार्ट किया था फ्रीलांस का, तो मैंने अपना फाइबर मतलब काफ़ी ज़्यादा सुना था कि फाइबर है, अपवर्क है, freelancer.com है, ऐसे कई सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे क्लाइंट्स मिलते हैं। देन मैंने भी स्टार्ट किया था, तो मैंने मुझे फाइबर का कुछ अच्छा लगा, क्योंकि उस पर गिग नहीं डालना, मतलब गिग को प्रपोजल नहीं सेंड करना पड़ता, एंड गिग तो बनाना पड़ेगा। तो फिर मैंने फाइबर को चूज़ किया, तो मैंने फाइबर पे बनाया था अकाउंट अपना। मैं अपना अगर अपना स्टोरी बताऊँ तो तुम्हें, देखो मैंने फाइबर पे जब अकाउंट बनाया, मैंने बनाकर उस पर भूल गया, मुझे नहीं पता था। मैंने फिर अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया था, मैंने फर्स्ट या सेकेंड ईयर में मैंने उसको बनाया था, एंड कुछ कुछ महीने बाद उसको मैं भूल गया कि मेरे मेरा कोई फाइबर का अकाउंट भी है। देन कुछ टाइम बाद, कुछ महीने के बाद, काफ़ी महीने बाद मुझे याद आया कोई फाइबर पे अकाउंट है, थोड़ा काम किया जाए। तो मैंने उसका सब बस एक लॉगिन किया था, देन मैंने उसमें अपना उसका एप्लीकेशन मोबाइल मैंने इंस्टॉल कर लिया था उस टाइम पे। एंड मैंने फिर उसको फिर मैंने जब उसको अपने मोबाइल में जब इंस्टॉल किया, तो फिर मैं उसको भूल गया, वहीं पे था, ठीक है, वहीं पे था, मैं अपना ग्रेजुएशन में लगा पड़ा था। फिर हुआ कि चलो यार कुछ किया जाए, फिलहाल एक बार ट्राई किया जाए, देखते क्या होता है। देन मैंने बस यूं ही एक गिग बनाया, बग फिक्स करने का, एचटीएमएल सीएसएस या कोई ऐसा बग रहेगा तो मैं, फ्रंट एंड का बग था, मैं मुझे फिक्स करने का, मैंने गिग बनाया और डाल दिया उस, अपलोड कर दिया, बना के अपलोड कर दिया उस पर। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद, 3 4 दिन हुए मैंने उस पर फोकस किया था, बट 3 4 दिन में मुझे ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैंने उसको फिर से ऐप था मोबाइल में ही था, बट यूज़ करना, ओपन करना सब बंद कर दिया। फिर अचानक से, जैसे ही 1 महीने बीता, अप्रॉक्स 1 महीने, अब 1 महीने से थोड़ा सा ऊपर, हाँ ऊपर ही थोड़ा हुआ, प्लस हुआ था, देन मुझे एक मैसेज आया, थोड़ा शाम का टाइम था, इसी शाम के 7 8 के आसपास बज रहे थे, तुरंत एक मैसेज आया कि किसी क्लाइंट का था वो, उसका एक वेबसाइट था, उसी में बग फिक्स करना था मुझे। बेसिकली वो एक छोटा सा बग था, उसका जो टेक्स्ट था वो आउटसाइड जा रहा था कहीं, तो उसको फिक्स करने का था। तो वहाँ से मुझे वो पहला क्लाइंट मिला। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ मज़ेदार बात, ये है कि लोग बोलते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स बोलते हैं कि उसमें SEO करने का, एंड SEO करोगे तुम्हारा ऊपर आएगा। मुझे मैंने अपना जो गिग बनाया था, मैंने बस, मुझे कहीं से मैंने वीडियोस नहीं देखा, बस अपना बिग गिग बना दिया उस पर। गिग बनाने के बाद मुझे खुद नहीं पता कि कैसे वो क्लाइंट आया मेरे पास, बस क्लाइंट आया, मैंने कोई SEO नहीं किया था अपने वहाँ पे, बस वो आ गया, ठीक है, आ गया, आई डोंट नो कैसे आया। देन मैंने उसका काम किया 3 दिन, हाँ 3 दिन लगा था मुझे, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करना था, ठीक है, 3 दिन मुझे लगा, एंड मुझे मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। तो ये था मेरा स्टोरी पहले क्लाइंट का, फिर फाइबर पे, ठीक है। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड